दोस्त, अगर आपको भी सीआईडी शो देखना अच्छा लगता है और आप सीआईडी के इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर सचिन को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल FM Pixels को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि हमारे सारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, सीआईडी की टीम जाने वाली है भूतिया हवेली की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने हमारे पिछले वीडियोज में बताया था कि सीआईडी की टीम के ऊपर हमला होने वाला है। सीआईडी की टीम जाने वाली है एक भूतिया हवेली। और दोस्तों, क्यों सीआईडी की टीम उस भूतिया हवेली में जाती है आपको बता दूं। तो देखिए दोस्तों, सीआईडी की टीम जो है वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखती, आपको पता ही होगा। सीआईडी के सीजन 1 में काफी सारे भूत वाले केसेस आए थे जिसमें आखिर में पता चलता है कि कोई भूत भूत नहीं होता है, असली जो क्रिमिनल होता है वो कोई इंसान ही होता है। तो दोस्तों, सीआईडी की टीम भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखती। बीच में एक खबर आती है कि एक हवेली है जिसमें जो कोई भी अंदर जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन असल में दोस्तों उस हवेली में ड्रग्स और बच्चों के ऊपर बच्चों को किडनैप करके रखा जाता है। ये जो है सीन है दोस्तों, ये जो पूरा माजरा है ये आपको एपिसोड के आखिर में पता चलेगा। मैं ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि मजा खराब हो जाएगा उस एपिसोड का। तो दोस्तों, इस एपिसोड में सीआईडी की टीम आपको एक हवेली के अंदर जाती हुई नजर आएगी और लोगों में ये अफवाह फैली होगी कि वो जो हवेली है वो भूतिया है, इसलिए कोई लोग उसके अंदर ना जाए। लेकिन भूतिया हवेली के आड़ में वहाँ पर गलत धंधे, गलत काम सब क्रिमिनल्स कर रहे होंगे। तो सीआईडी टीम उस हवेली में जाकर कैसे उन क्रिमिनल्स को पकड़ती है जहां पे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो देखते हैं, ये जो एपिसोड है मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि सीआईडी में ऐसी भूतिया एपिसोड जो है वो आना चाहिए या फिर नॉर्मल एपिसोड्स आना चाहिए? आप अपना जो ओपिनियन है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।